इस 21वीं सदी में महिलाओं ने हर क्षेत्र में तरक्की का परचम लहराया है। आज की महिलाएं चांद की दूरी तय करने से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास के नाम पर उनकी आत्मनिर्भरता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। नाम मंजू कुमारी, उम्र 22 साल, लेकिन खेत में ट्रैक्टर चलाती मंजू की बस इतनी ही पहचान नहीं है। गुमला जिला के सीसई प्रखंड में डहू टोली गांव की रहने वाली मंजू अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए पिछले 2 सालों में एक सफल कृषक बन चुकी हैं, जहां वो अपने हौसले और लगन से लगभग 10 एकड़ की जमीन में धान, मकई, टमाटर, आलू और दूसरे सब्जियों की खेती कर रही हैं। लेकिन मर्दों की जगह एक औरत का खेत में ट्रैक्टर चलाना गाँव वालों को खटक रहा है। हम अभी कृषि में जुड़े हुए हैं। कृषि में जुड़ने का कोई ऐसा बहुत सा रीजन है जो कि हम लोग के लड़कियों के खिलाफ है, और अगर हम कुछ ऐसा अलग नहीं करते हैं तो फिर हमेशा ये लड़का लड़की का भेदभाव बना रहेगा, लड़की का भेदभाव बना रहेगा। और अगर लड़कियां कहीं पे भी जाती है तो लड़कियां को अलग नज़रिया से देखा जाता है कि लड़की है, कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन ये मानना बहुत सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियां चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। में कभी भी दुर्घटना हो सकती है, हम लोग का देवी देवता है वो बिगड़ सकती है, ऐसे कह के उन लोग का सोच था है, और यही अंधविश्वास के कारण ही वो लोग हल नहीं जोतने दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो लोगों का कहना है कि आप अगर हल चलाते हैं, मंजू अगर हल चलाती है तो हम लोग का सामाजिक रीति रिवाज पूजा पाठ वाला है सरनामा, उसको आपके घर में ला देंगे, आप ही लोग पूरा 3 सीट का जमीन को संभालिएगा। अंधविश्वास में जकड़े ग्रामीण मंजू से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत महिलाओं को घर के छप्पर झाड़ने और खेतों में हल चलाने की मनाही है। मंजू ने ऐसा करके कहीं न कहीं गांव में महामारी और अकाल को न्योता दे दिया है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस मुद्दे को लेकर गांव के पाहन की मौजूदगी में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने गांव में मंजू के खिलाफ पंचायत बैठा दी और दोबारा ट्रैक्टर से खेत नहीं जोतने की हिदायत देते हुए मंजू से माफी मांगने को कहा। यही नहीं, उन्होंने उस पर जुर्माना भी लगा दिया और कहा कि पंचायत का फरमान नहीं मानने पर मंजू का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। हम तो इस विषय पर उतना जानकारी नहीं था, इनके पूछने कल मैं आई थी, किरण माला जी के साथ आई थी और बहुत लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने कहा कि जो इसके पहले जो धर्म परिवर्तन किया है उसका जमीन को पूरे गांव वाला, वो तो घर से बाहर चला गया अपने घर छोड़ के, वो जमीन ऐसे ही पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा है। तो उनका कहना है कि जब गाँव वाला उस खेत को नहीं जोत रहा है तो आप क्यों जोतोगी। इससे पहले भी मंजू कुमारी जोती थी खेत को, पर इस तरह का विरोध नहीं किया गया था, लेकिन जब उसका जमीन में जो वो जो हल चलाई, इसलिए उन्होंने कहा कि ये खेत मत जोतो, तुम अपना खेत जो सकती है। कल सूचना मिली थी कि डहू टोली गांव में एक मंजू कुमारी नाम की है जो अपना ट्रैक्टर चलाकर खेती बाड़ी कर रही थी, उसमें गांव वालों का कहना है कि कुछ विरोध हुआ है, तो उसी को जाँच पड़ताल के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे साथ मुखिया भी हैं और गाँव के लोग हैं, तो क्या सच्चाई है इस बात को आज जाँच पड़ताल करेंगे। मंजू के सामाजिक बहिष्कार की बात प्रशासन के समक्ष पहुंचने के बाद मुखिया ने ऐसी किसी घटना या पंचायत के फरमान से साफ इनकार कर दिया। वहीं पुलिस और प्रशासन से जुड़े लोग भी गांव पहुंचकर आम लोगों को समझा रहे हैं। लेकिन अंधविश्वास की जंजीर अब आत्मनिर्भर महिलाओं की उड़ान को रोक नहीं सकती, ये भी साफ झलकने लगा है। समाचार प्लस के लिए गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।